पारस पठान साहब, ये जो नए सिरे से विवाद खड़ा करने की कोशिश है, क्या इससे कभी भी क्लोजर इस मामले में हो पाएगा? अगर देश की सुप्रीम कोर्ट ने, 5 जजेस के बेंच ने यूनानिमसली एक एक फैसला सुनाया है, क्या उसका सम्मान होकर आगे बढ़ने में इतनी तकलीफ हो रही है कि फिर से इसको समुदायों के बीच में दरार पैदा करने के लिए एक मामला बना दिया जाए? देखिए अंजना जी, मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता था और करता रहूंगा, लेकिन वारिस पठान को दहेज में ये 5 एकड़ जमीन नहीं चाहिए। हमारी लड़ाई थी लीगल राइट फॉर द मस्जिद। हमको ये 5 एकड़ देके बोल देंगे कि आप जाओ मस्जिद वहां पर बना लो, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब है, मगर इतना गया गुजरा है नहीं कि अपने अल्लाह के घर के लिए मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ लैंड भी खरीद के नहीं बना दे। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आपने खुद देखा, उसमें कितने सारे कॉन्ट्रेडिक्शन है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा, मैं ओपिनियन से कंकर करता हूँ। आपके आपके अध्यक्ष खैराब कहते हैं, आप दहेज कह रहे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट पर ऐसी टिप्पणी करने के लिए दो वकील, आप भी वकील पठान साहब, आप भी वकील, आपके अध्यक्ष भी वकील, और दो वकील सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं खैराब और दहेज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके, उकसाने के लिए कहते हैं आप। जस्टिस जे एस वर्मा भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और जस्टिस गांगुली भी सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। जस्टिस जे एस वर्मा ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, और जस्टिस गांगुली ने क्या कहा, मैं उनके ओपिनियन से कंकर करता हूं कि अगर आज उस जगह के ऊपर मस्जिद होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये बोलता, उसको डिमोलिश करो, और आप बना रहे हो ट्रस्ट उन लोगों के हाथ में, पावर दे रहे हो मंदिर बनाने का जिन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने ओपिनियन में, ऑब्जर्वेशन में, कि 1949 में जो जाके मूर्तियां रख दी गई थी वो भी गैर कानूनी था, 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद को डिमोलिश कर दिया था, शहीद कर दिया था, कोर्ट जा रहे हैं आप या सिर्फ बहकाने और उकसाने के लिए ये जहर उगल रहे हैं? चल रहा है किस लिए चल रहा है? आप कोर्ट जाएंगे, रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे, या फिर आप सिर्फ उकसाने और बहकाने के लिए कह रहे हैं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, ना मंदिर से हमें मतलब है ना मस्जिद से मतलब है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो मतलब है, और आपको भी मतलब होना चाहिए। अगर आप रोज बैठकर 6 बजे लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वारिस पठान साहब, तो आपको भी लोकतंत्र से, सुप्रीम कोर्ट से मतलब होना चाहिए। के जजमेंट में अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अगर मुझे कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है और मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उस डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, उस संविधान ने मुझे राइट दिया है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ ओपिनियन रखूं। और मुझे लगता है अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये समझती है कि रिव्यू में जाना चाहिए, तो मैं उनकी बात से कंकर करता हूं, उनके ओपिनियन से कंकर करता हूं, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई थी। 30 वर्ष से हम 5 एकड़ की एक जगह लेने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हमको हमारी मस्जिद चाहिए थी, हमको हमारा लीगल अधिकार चाहिए था मस्जिद, क्यों नहीं दिया गया हमको, हम नहीं सेटिस्फाई जजमेंट से। मोहसिन रजा साहब, क्या कंटेम्प हो गया क्या इसमें? मोहसिन रजा साहब, देखिए अंजना, अपने आप में मैंने बार बार कहा है कि ये एनजीओ क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है। जब देश में फैसला 9 तारीख को आया तो पूरे देश ने इसको सर आंखों पर सराहा, और हिंदू मुसलमान सब ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला और ऐतिहासिक निर्णय को ऐसे इतिहास रच दिया कि एनसीआरवी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए कि एक कोई कम्युनल राइट कहीं, कोई एक छोटी से छोटी वारदात नहीं हुई है कहीं। आप एनसीआरवी की रिपोर्ट 9 तारीख की देखिए, तो कितनी संजीदगी के साथ में हिंदू मुसलमानों ने इस फैसले को एक्सेप्ट किया। और आज जिस तरह से, मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आपको कहां 5 एकड़ जमीन दी गई है, क्यों आप ये सवाल उठा रहे हैं? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक एनजीओ है, वो मुसलमानों का ठेकेदार नहीं है। मैंने बार बार कहा, हम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से गवर्न नहीं होते, तमाम करोड़ों मुसलमान, उन्होंने अदालत का सम्मान किया है। वारिस पठान साहब ने भी कहा कि हम अदालत का सम्मान करते हैं, आपके अध्यक्ष भी कहते हैं हम अदालत का सम्मान करते हैं, और अपमान की बातें आप ऐसी कर रहे हैं। आपने अभी शब्द इस्तेमाल किया, मुझे दहेज में नहीं चाहिए, ये आपने क्या बात बोली आपको पता है? वो कह रहे हैं मुझे खैरात नहीं चाहिए। आप अपना जब इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे थे, कहां कहां से पैसा मांगने आप गए आपको पता है? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सम्मान के स्वरूप इस लैंड को दिया है, ये हमारे देश के करोड़ों मुसलमानों का सम्मान है, ये खैरात नहीं है।
आपको इसलिए खैरात नजर आ रही है क्योंकि आपने हमेशा खैरात बांटने का काम किया है, कभी मुसलमानों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कभी कोई काम मुसलमानों के हित के नहीं किए हैं। ये चंद लोग हैं जो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं अंजना, इनकी दुकानें बंद हो गई, जफर अब इनके पास कोई और इशू नहीं है। जफर सरेश वाला, ये एक ऐसा मसला था जिसको करोड़ों करोड़ों मुसलमानों ने बड़ा दिल करके एक्सेप्ट किया है। ठीक है, जफर सरेश वाला जी, आपकी राय इस पर, 5 एकड़ जमीन पर। देखिए, मैं अंजना जी 3 बातें करना चाहता हूं। एक तो जो वर्डिक्ट आ गई उसको मुसलमानों ने ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया है, और एक बात बहुत यानी जो जजमेंट की मैं बात करूंगा कि जजमेंट में हमारे ऑनरेबल 5 जजों ने हमेशा के लिए कुछ चीजें साफ कर दी हैं। जैसे ये साफ कहा गया है कि कोई मंदिर गिराया नहीं गया था, मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं बनाई गई थी। दूसरी बात, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो बात है उस पर भी कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि जो अवशेष मिले हैं अंदर एक्सकेवेशन में वो 12वीं सदी के हैं, यानी 12वीं सदी और 16वीं सदी तक क्या था उसके बारे में कोई बात नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1949 में जो प्रकट की गई थी मूर्तियां उस पर भी यह कहा कि वो क्रिमिनल एक्ट था। 92 में बाबरी मस्जिद जो गिराई गई उसको भी कोर्ट ने कहा ये एक्ट ऑफ क्राइम है। और रही बात 5 एकड़ की, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा कि यह कॉम्पनसेशन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और रेस्टिट्यूशन का मतलब यह होता है कि गलती से आपकी कोई चीज हमारे पास आ गई, चोरी से या किसी और गलत तरीके से, वो हम आपको वापस देना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने खैरात या कॉम्पनसेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, रेस्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और अब ये जो पिटिशनर हैं उनके ऊपर है कि वो उसको लें या ना लें, लेकिन मेरी एक अदना राय ये है कि हमें लेना चाहिए, इसलिए कि ये हमेशा के लिए ये दिखाया जाएगा कि ये एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन में ये जमीन मिली है। तो मैं चाहूंगा कि मुसलमान वहां पर एक मस्जिद भी बनाए, एक इंस्टीट्यूशन बनाए जो हायर एजुकेशन का हो, या वर्ल्ड क्लास स्कूल हो, या हॉस्पिटल हो। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों की जो तो बात थी या उनके सर पर उनके कटहरे पर खड़ा किया जाता था बाबर और औरंगजेब के नाम पर, उसको हमेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए एक बात कही, पठान साहब को आपकी एक बात पर प्रॉब्लम है, मंदिर तोड़कर पठान साहब का। तो मैं समझता हूँ कि जो पॉजिटिविटी है इस जजमेंट पर उसको देखने की जरूरत है। सुनिए सरेश वाला साहब, इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप लोग देश में मुसलमानों के लिए स्कूल हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाते कि शायद आपको यह गुमान है कि आप हमारी मस्जिदों को तोड़ देंगे और उसके बाद आप बोलेंगे कि अब स्कूल और हॉस्पिटल बनाओ। इसका मतलब तो आप ये बोलना चाहते हो, अरे स्कूल हॉस्पिटल बनाना तो सरकार का फर्ज है जो 70 साल में मुसलमानों के लिए जहर उगलिएगा। सरकार होने आके गए, आज तक जहर उगलिएगा वारिस साहब, बोलने का हक भी नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं, हमारी मस्जिद चाहिए। एक मिनट अंजना जी, अब मुझे बोलने दीजिए। 5 एकड़ के लिए नहीं कर रहे थे। ठीक है, जवाब सुनिए, फिर मुझे प्राचा साहब और मौलाना अंसार रजा साहब के पास जाना है। मस्जिद का था उस पे था। नहीं नहीं नहीं, पठान साहब मुझे जवाब देने दीजिए। फैक्ट एंड एविडेंस की नहीं नहीं, मैंने जवाब देने दीजिए। जफर सरेश अंजना जी, जफर सरेश वाला जी, अंजना जी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वारिस साहब का क्या सियासी मकसद है मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ जजमेंट पे बात कर रहा हूं। जजमेंट आ चुका है और अगर वारिस साहब को या किसी को नहीं पसंद तो उनके पास रास्ता है रिव्यू पिटीशन का, क्यूरेटिव पिटीशन का। लेकिन मैं सिर्फ इतना लिमिटेड, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने खैरात या कॉम्पनसेशन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बिल्कुल नहीं तो किया। सुप्रीम कोर्ट ने, और ये अपमानजनक है, मैं सिर्फ उतनी बात, अपमानजनक है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मजहब के दायरे में घसीटा जाए। रिव्यू पिटीशन फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इस तरह से मजहब के दायरे में घसीट कर खैरात नहीं चाहिए। प्राचा साहब मेरा सवाल आपसे यह है, उसके बाद मैं अंसार रजा साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो जैसा जफर सरेश वाला कह रहे हैं, वहां पर मंदिर बन रहा है, यहाँ पर एक भव्य मस्जिद अच्छे से बनाकर
क्यों नहीं एक मिसाल कायम की जाए दोनों ही समुदायों की तरफ से, ताकि ये दीवार जो बनाने की कोशिश हुई थी कई पार्टियों की तरफ से वो हमेशा के लिए ढह जाए। एक अलग महत्व होगा, लोग उस मस्जिद को देखने के लिए खास तौर पर पहुंचेंगे कि ये भाई, और ऐसा हमने देखा है कि किस तरह से पर्यटन के जरिए कई शहरों का कायाकल्प हो गया। एक मिसाल बनाने के बजाय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के यूनानिमस फैसले के बाद भी दरार में ही क्यों विश्वास रख रहा है, क्यों अभी भी कह रहा है कि नहीं हमें नहीं चाहिए ये जमीन, हम इसको नहीं स्वीकारेंगे, ये अपमान है हमारा, ये इस तरह का कॉम्पनसेशन हमें नहीं चाहिए, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम हो सकते हैं मगर इनफेलेबल वो भी नहीं है, क्योंकि जिन लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है उनके द्वारा खैरात या दहेज या ज़कात, उससे ये जो मुस्लिम पक्ष है, बाबरी मस्जिद पक्ष है, वो कमज़ोर हो रहा है। कम से कम वो ये भी देखें, ज़फ़र सरेश वाला साहब ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही है कि रेस्टिट्यूशन किया है। मैं ज़फ़र सरेश वाला साहब को थोड़ा सा करेक्ट करूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्टिट्यूशन का भी वर्ड नहीं इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है एंटाइटलमेंट है, एंटाइटलमेंट है, और मुसलमानों ने मस्जिद कभी भी नहीं छोड़ी थी, तो ये मस्जिद के एवज में जगह मिल रही है। ये बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात है जो समझनी चाहिए। हमें नहीं लेनी है, उसकी वजह यह है कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल कराना है हमें, हमें नहीं लेनी है बिकॉज हम इस जजमेंट को मानने के लिए बाध्य हैं, इसकी इज्जत करने के लिए बाध्य नहीं है, और हम इस जजमेंट की इज्जत नहीं करते हैं, समझ लीजिए। इसीलिए हमारे पास कानून में जो भी रास्ते हैं हम अपनी पूरी ताकत इसलिए नहीं करते क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ और कानून पे बेस्ड जजमेंट नहीं है, ये हम इस पे तनकीद करते हैं। इसकी आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसमें हमारी ये क्रिटिक है इस जजमेंट के लिए। 142 ये कहता है कि कोर्ट अपनी ताकत से कुछ भी कर सकती है, यही इस केस की जो इस जजमेंट की सबसे बड़ी जो हमारी इसके लिए हम क्रिटिक करते हैं वो यही है कि इसमें आर्टिकल 142 कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स इस्तेमाल करके जो काम सीपीसी से होना चाहिए था, जो एविडेंस एक्ट से होना चाहिए था, वो अपनी इनहेरेंट पावर्स करके यूज किया, ये इसकी सबसे बड़ी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं इस बात। नहीं, आपके क्रिटिसिज्म से एक बात और भी कहना चाहूंगा, आपके क्रिटिसिज्म से प्राचा साहब एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन है, आपके क्रिटिसिज्म से मामला नहीं पलटेगा अगर यही आर्टिकल फिर से ठहर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में भी, तो इस रिव्यू पिटीशन का कोई मतलब नहीं होगा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कानूनी रास्ता क्या है, आप इस आर्टिकल 142 को कैसे चैलेंज कर पाएंगे, क्या है आपके पास ठोस बातें, या फिर आप भी उसी जमात में शामिल हो रहे हैं जो राजनीतिक रूप से फायदा उठाना चाहता है इसका? देखिए, मैं उस जमात में शामिल हूं जो कि संविधान को, बाबा साहब के संविधान को सबसे ऊपर रखना चाहता है, रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना चाहता है, सेंटिमेंट्स को नहीं, मैं उस सोच से बिलोंग करता हूं। आर्टिकल 142 का गलत इस्तेमाल है, इसी के लिए तो खिलाफ हम रिव्यू में जाना चाहते हैं। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हालांकि ये मुकदमा मुस्लिम पक्ष की तरफ से अच्छी तरीके से नहीं लड़ा गया है, एएसआई की रिपोर्ट को कभी क्रॉस एग्जामिन नहीं किया गया था, ये कमियां हैं दशकों के बाद, और पर सुप्रीम कोर्ट को लार्जर इंटरेस्ट, ठीक है मैं लौटूंगी सर आपके पास, एक कमेंट में मौलाना अंसार रजा साहब से ले रहा हूं, मैं आऊंगी इस पर मौलाना अंसार रजा साहब, ठीक है आपका ये पॉइंट हम उठाएंगे। मौलाना अंसार रजा साहब तमाम जो दरारें हैं उसको पाटने का एक मौका है, क्यों खोए, क्यों ऐसे इतिहास ऐसा बनाए जिसमें हम भविष्य से नजर ना मिला पाए? मैं दो बातें कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप कितना वक्त मुझे देंगे, लेकिन मैं सबकी मैंने बात सुनी। सबसे पहली बात तो मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद, इन तीनों लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि खुदा के वास्ते अब ये रिव्यू पिटीशन का जो मसला आप अपने सामने लेकर के आ रहे हैं, खुदा के वास्ते इसको बंद कर दीजिए। अब मुसलमानों को जलील होने से अब बचा लीजिए, बहुत जलील हो चुका है मुसलमान, नंबर एक। दूसरी चीज, खैरात जकात जहेज ये जो लोग कह रहे हैं ये मुसलमानों के लीडर नहीं है, पहली बात तो इस बात को क्लियर कर लिया जाए। जमीन दे कौन रहा है और लेगा कौन, उसमें ये कहीं शामिल नहीं है जो ज़कात खैरात जहेज़ वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो हो रहा है।